हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को फिर से एक और नए डिज़ाइन का टेबल मैट बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए मैंने 3 कलर की ऊन ली है और ये ब्लू वाली ऊन को सिंगल लिया है। आप चाहे तो डबल भी कर सकते हैं। और इसको मैं एक एक कील छोड़ते हुए इस तरह से लपेट लूँगी सीधा सीधा, और फिर दूसरी साइड से भी इसी तरह से हम इसको लपेट लेंगे। एक एक कील छोड़ते हुए लपेटना है। अब हम इसको 10 राउंड लगा लेंगे। तो मैंने ये 10 राउंड लगा लिए। अब हम व्हाइट कलर की ऊन को लेंगे और इसको मैंने डबल कर लिया है और इसको हम तिरछा तिरछा लगा लेंगे। और एक एक कील छोड़ते हुए इसको भी हम ऐसे ही तिरछा लगा लेंगे। और ये जो व्हाइट वाला है ये ब्लू बॉक्स के कॉर्नर में आना चाहिए। तो इसी तरह से इसको भी हम लगा लेंगे दोनों साइड से। तो ये देखिए यहाँ पे क्रॉस बन गया है ब्लू बॉक्स के बीच में। इसी तरह से हमें ये लपेट लेना है। अब हम इसके भी 10-10 राउंड लगा लेंगे। तो मैंने इसके भी 10-10 राउंड लगा लिए। अब हम येलो कलर की ऊन लेंगे और इसको भी सिंगल लिया है मैंने, और इसको यहाँ इस तरह से लगा लेंगे। ये हमें पहले जहाँ ब्लू लगाई थी उसके बीचों बीच लगानी है एक एक कील छोड़ते हुए। और दोनों साइड से इसको भी हमें ऐसे ही लगा लेना है। आपको हमारे चैनल पर वीडियोस कैसे लगते हैं प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियोस अच्छे लगते हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इसको भी मैंने ये 10 राउंड लगा लिए हैं। अब हम गांठ लगाएंगे। मैं व्हाइट कलर के ऊन से ही गांठ लगा रही हूँ। हमें तीनों साइड से इस तरह से गांठें लगानी है। और इसी तरह से हमें सभी में ये गांठें लगा लेनी है। ये देखिए राइट साइड से ऐसे आएगा तो हम सब में ऐसे लगा लेते हैं गांठें। अगर आपको डॉल डेकोर वगैरह भी देखने हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। मैं डॉल डेकोरेशन वगैरह की भी वीडियोस बनाती हूँ अपने चैनल पर। तो मैंने ये गांठ लगा के अब तैयार कर लिया है। अब हम इसको काट लेंगे। तो हमें इसको बीचों बीच से कट करना है देख देख के। तो अगर हम बीचों बीच से कट करेंगे तो हमारे जो ये फुंदने हैं ये वो बराबर आएंगे और ये टेबल मैट देखने में अच्छा लगेगा। तो इसी तरह से हम पूरा काट लेते हैं। तो ये हमारा बनके तैयार है। और ये देखिए सीधे साइड से कितना सुंदर लग रहा है। आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू। बाय बाय।